हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ दो या तीन खूबसूरत से हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ। बालों में ऑयल लगा हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, वॉश नहीं कर पाई तो इन्हीं बालों पे मैं बताने वाली हूँ और किस तरीके से करना है सब कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज अगर देखनी है, सिलाई से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल पे जाइए। सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी टू, एंड शॉर्ट्स वीडियोज़ के लिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, शॉर्ट्स बाय प्रीत तिवारी, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। एंड मैं अपनी आवाज़ में वहाँ पे वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़, तो आप वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड पार्टीशन किया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी, आपको साइड पार्टीशन रखना है या ऊपर से पूरा बाल मांग नहीं निकालनी है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर लेना है इस तरीके से। ये वाला हेयर स्टाइल करके आप कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हो शॉपिंग के लिए तो भी जा सकते हो। सिंपली आपको इस साइड लेके आना है बालों को और यहाँ पे थोड़ा सा हेयर इसके साथ पकड़ लेना है। ओके, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हेयर को लेना है और यहाँ से हमने लिया हुआ है, इनको यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे पकड़ के एक पतले वाले रबर बैंड की मदद से इसको अच्छे से बना लेंगे इस तरीके से। ओके, टाइट कर लेंगे, देन ये इस तरीके से निकल जाएगा। इससे आपका जो लुक है वो ख़राब दिख सकता है, तो उसके लिए आपको इसको इन अंदर की तरफ इस तरीके से इंसर्ट करके खींच लेना है एंड अगेन टाइट कर देना है। सॉरी गाइस, कॉल आ रहा था। तो इस तरीके से आप बिना किसी रबड़ बैंड के या फिर कुछ लगाना नहीं है, सिंपली इस तरीके से आप हेयर स्टाइल कर सकते हो और अपना आपके आपका जो हेयर स्टाइल हेयर का लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर आपने ऑयल में लगाया है तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा ये, और काफ़ी न्यू है, अट्रैक्टिव सा है और पूरा डिफरेंट है। समझ में नहीं आ रहा कैसे बना है, बट बहुत इजी तरीके से आप ये बना सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और छोटे बाल हैं तो भी आप ये ट्राई कर सकते हो, कहीं जाना है तो बना के इजीली जा सकते हो। छोटे बालों के लिए लेयर्स आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। लेयर्स क्या होता है, आपके फ्रेम को, आपके फेस को फ्रेम देता है। जो साइड से अगर एक्स्ट्रा आपका फेस चौड़ा है, चाहे कोई सा भी फेस कट है, लेयर्स आपके फेस पे जचेंगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो आप साइड से तो निकाल ही सकते हो बट ऊपर से नहीं निकालिएगा। तो ये फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में गाइस हम लोग पूरे बालों को ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे और सिंपल इजी तरीके से, बहुत ही अच्छा लगता है ये बन जो मैं बनाने वाली हूँ। अगर छोटे बाल हैं तो भी आप बना लोगे, जैसे कि मेरे बाल हैं यहाँ पे। इस तरीके से मैंने कॉम किया है एंड रबर बैंड को लगाएंगे। रबर बैंड को थोड़ा टाइटली लगाइएगा यहाँ पे। ओके, और अपने क्राउन एरिया से हेयर को थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिएगा ताकि यहाँ पे बहुत फ्लैट लुक ना आए बालों का। ओके, इस तरीके से खींचने के बाद से सिंपली अपने बालों को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, देन अपर डायरेक्शन में लेके जाएंगे और इस तरीके से, सॉरी 1 सेकेंड, टाइटली लेके जाना है अपर डायरेक्शन में और इस तरीके से। अब आपको यूपिन्स की मदद से इनको सिक्योर कर लेना है। ये वाला हेयर स्टाइल आप ऑयल लगे बालों में भी बना सकते हो। एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स कई बार हम लोग वॉश नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं लगता है, तो आप सिंपल तरीके से ये बना के अपने ऑफिस के लिए जा सकते हो। बट याद रखिएगा, रबड़ बैंड आप जो आपका हेयर का कलर है उसी से मैच होता हुआ लीजिएगा, रबड़ बैंड दिखाई ना दे। तो ये सिंपल तरीके से इजी सा बन आपका बन जाएगा, छोटे बालों में भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड अट्रैक्टिव लगता है। एंड अगर आपको साड़ी डाल रहे हो तो आप मिडिल पार्टीशन करके सेम तरीके से यही हेयर स्टाइल बनाइएगा एंड साड़ी
शादी पार्टी के लिए बना रहे हो तो मिडिल पार्टीशन करके फ्लैट लुक देके, जो हम लोग सिल्क लुक बोलते हैं, उसके साथ आप ये वाला लुक दीजिएगा। एंड साइड में गजरा एंड बीच में इस तरीके का फ्लावर वाला क्लिप यूज कीजिएगा, तो आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो काफी अच्छा दिखेगा। मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, बहुत इजी तरीके से अपने बन को आप स्टाइलिश सा लुक दे सकते हो। तो अगर आपने साड़ी डाली है तो मिडिल पार्टीशन कीजिए एंड सिल्क लुक दीजिए अपने बालों को फ्रंट से, एंड बैक में इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये हमारा शादी पार्टी के लिए भी रेडी हो जाएगा। सिंपल तरीके से ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो सिंपल, जैसे मैंने बताया, रबड़ लगा के यूपिंस लगा के आप छोड़ दीजिएगा तो वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो गजरा निकाल दिया, ये फ्लावर भी निकाल दिया। अब सिंपली आप यू ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल में भी आपको सिंपली इस तरीके से बालों को रखना है, बट थर्ड वाला मैं मिडिल पार्टीशन से करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आपको मिरर में दिख रहा होगा फ्रंट का लुक, एंड बैक का आपको कैमरे में दिख रहा है। जब भी आप मिडिल पार्टीशन करते हैं तो ध्यान दीजिए आपकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी मांग से आपका जो लुक है वो अच्छा नहीं आता है। छोटी सी मांग निकालिए एंड ऊपर से इस तरीके से कॉम कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको रबड़ बैंड लेना है एंड टाइटली रबड़ बैंड को लगा देना है। थर्ड पार्ट में आपको इस तरीके से रबर बैंड को नीचे की तरफ से खींचना है और इस तरीके से पोनी के हेयर को निकालना है। ओके, क्राउन एरिया पे आप इस तरीके से हेयर को खींच लीजिएगा ताकि जो क्राउन एरिया का फ्लैट लुक है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब जो ये बचे हुए हेयर है इनको आपस में इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड क्रॉस करके रबर बैंड को हाइड कर दीजिए। रबर बैंड को हाइड करके यूपिन की मदद से उसको सिक्योर कर लीजिए बालों को अपने। वन सेकेंड गाइज, क्रॉस करना है और इस तरीके से लेके जाएंगे ताकि जो आपका रबर बैंड है वो अच्छे से हाइड हो जाए, और नीचे में बॉबी क्लिप की मदद से दोनों हेयर के लेयर को लेके एक साथ ब्रश कर देंगे। ऑयल लगे हैं बालों में, अगर आपके बालों में ऑयल नहीं होगा तो ये लुक और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब जो आपका ये पोनी का हेयर है इसको इस तरीके से फैलाएंगे यूपिन या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करेंगे। ओके, रबर बैंड को ध्यान रखिएगा, आपको हाइड करना ही है, रबर बैंड दिखना नहीं चाहिए। जहाँ से भी अनमैनेज लग रहा है हेयर को अच्छे से उसको सेट कर लीजिए। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, वो भी ऑयल लगे बालों में, तेल लगे हुए बालों में। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑयल लगा है बालों में इसलिए लुक थोड़ा सा अजीब दिख सकता है, बट इग्नोर कीजिएगा ऑयल को एंड आप अपने हेयर वॉश वॉश किए हुए हेयर में ट्राई कीजिएगा। ऑयल भी लगे हैं तो आप जा सकते हो इस तरीके से, कहीं जाना है तो बना के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।